इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्वेट प्रूफ मेकअप कैसे करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहे हो उसकी सारी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अपनी स्किन को आप तैयार कर ले मेकअप के लिए, यानी अच्छे से आप अपना स्किन केयर कर ले। देन कोई भी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लेके स्किन को प्रेप कर ले। जल्दी से अपना आईब्रोज को फिल कर लीजिए। आई मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपको आई प्राइमर यूज करना है। उसके बाद एक लाइट शेड की कंसीलर लेके आईलिड पर अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लेना है। देन आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले येलो शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया, उसके बाद उसको मर्ज कर दी एक ऑरेंज शेड के साथ। देन ब्लू कलर की शिमर लेके मैंने अपने लिड पर अप्लाई कर दिया। लोअर लैश लाइन पे शेडो या काजल अप्लाई करने से पहले बेस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लेंड कर लेना है। देन आपको कंसीलर अप्लाई करके उसे भी ब्लेंड कर लेना है। फेस को सेट या बेक करने से पहले जितने भी क्रीम प्रोडक्ट है वो पहले अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे प्लम की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ एज अ ब्लश। उसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की नेचुरल मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर रही हूँ। कोई भी सेटिंग पाउडर या फिक्सिंग पाउडर अप्लाई करने से पहले जो भी पाउडर प्रोडक्ट है वो अप्लाई कर ले, यानी कि पाउडर, ब्लश, कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर आपको पहले अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पे शुगर की मिनी ब्लश एंड ब्रॉन्जर अप्लाई किया है। देन कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करके फेस को बेक कर लेना है। उसके बाद आपको लोअर लैश लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने ब्राउन काजल अप्लाई किया है एंड एक क्लासिक लाइनर ड्रॉ किया है। एक्सेस पाउडर को आपको ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लेना है एंड ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को आपको हाईलाइट कर लेना है। देन अपनी लैशेस को बड़ी बड़ी दिखाने के लिए कोई भी मस्कारा अप्लाई कर लीजिए। आप फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, उससे आई मेकअप और भी अच्छा लगता है। लिपस्टिक एंड हाइलाइटर अप्लाई करके आप अपना लुक कम्प्लीट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट करना और ऐसे वीडियोज के लिए मुझे फॉलो कर लेना।